हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स में मिसलेनियस एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 13 को, मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 13 व्हिच इज गिवन ऑन पेज नंबर 373 इन एनसीईआरटी। ओके, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन बच्चों, क्लास 12 का मैथमेटिक्स का अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए, जाइए कॉमेंट सेक्शन में, पिन कॉमेंट है जो कॉमेंट सबसे ऊपर आ रहा होगा ना, उसको पिन कॉमेंट बोलते हैं, वहां रीड मोड पर आप क्लिक करो, आपका वहां पे हर एक चैप्टर का लिंक ओपन होकर आ जाएगा। वहीं पर चैप्टर नंबर 8 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स पे आपको क्लिक करना है तो पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, सभी कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ाए हुए हैं और एक्सरसाइज 8.1 8.2 का भी सॉल्यूशन वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशंस और रिलेशन एंड फंक्शंस जैसे चैप्टर को मैंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से बहुत टाइम देके पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, हाँ एक और चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर जो आपको परेशान कर रहे हैं वो आप इस चैनल से देखिए, तो पक्का आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, रादर देन रटने के आप समझने की कोशिश करिए ऑब्वियसली। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 13 को, मिसलेनियस का कह रहे हैं प्रूव दैट द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 0 इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब देखो बच्चों समझो, सबसे पहले काम करते हैं इसका कर्व बनाते हैं, ठीक है, फिर हमें को समझेगा हमें क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, ये हमारी है y एक्सिस करेक्ट और ये हमारी है x एक्सिस। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को पता है कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, जो ये वाला जो पैराबोला है आपका, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस और ये राइट वर्ड पैराबोला है, कुछ इस तरीके से ये पैराबोला आपका बन के आएगा, ठीक है। इसी तरीके से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, ये वाला जो पैराबोला है वो आपका y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और ये पैराबोला आपका कुछ इस तरीके से बन के आएगा, ठीक है। तो ये दो पैराबोला आपके आ गए। अब एक काम कर लेते हैं, सुन लो, काम हम ये करते हैं लगे हाथ यहीं पर कि ये वाला जो पैराबोला है, जो ब्लैक मार्कर से हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वाला पैराबोला, ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो है आपकी क्या, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, चेक करो x के अबाउट ये सिमेट्रिकल है और ये वाला जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन है आपकी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो पैराबोला है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है, इनकी इक्वेशंस जो भी दिए कर्व की इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। ये वाला पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ब्लैक वाला और जो ब्लू वाला आपको पैराबोला दिख रहा है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक। उसके अलावा ये तो ऑरिजिन है, ये तो सबको पता ही है कि भाई ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे, 0, 0, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। चलो बाकी ये हो गई आपकी एक्स एक्स डैश और ये होगी आपकी वाई वाई डैश, ठीक। तो ये इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सॉल्यूशन में हमने क्या किया, हमारे पास फर्स्ट पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, दिस इज इक्वेशन 1 और नेक्स्ट जो पैराबोला है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्विंग 1 and 2, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक काम करते हैं क्या कि देखिए यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल के यहाँ रखते हैं, यहाँ तो एक काम करते हैं x का वैल्यू अगर हम ओके फर्स्ट इक्वेशन से हम एक काम करते हैं x का वैल्यू निकालते हैं, 4x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर है तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, यहाँ चलाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर अपॉन 4। तो ये जो x का वैल्यू आया फर्स्ट इक्वेशन से इसको हम सेकेंड इक्वेशन में अपपुट करते हैं, करेक्ट। तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे क्या आपके पास x स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स x y स्क्वायर अपॉन 4 है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, यानी कि लेफ्ट में स्क्वायर करिए और राइट में जब स्क्वायर करोगे आप तो वाई का स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई की पावर 4 अपॉन 16 आ गया, यहाँ सेकंड इक्वेशन में रखी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे वाई टू द पावर 4 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 4y, करेक्ट। कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पे हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, एक काम करते हैं 16 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 से लेफ्ट में और 16 से राइट में, ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और वाई टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 4 into 16 कितना हो जाएगा 64, ये हो गया 64y। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे y से y कैंसिल कर देंगे, नहीं y से y आप कैंसिल मत करो, इसको उठा के आप पूरा लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो y टू द पावर 4 माइनस 64y और इज इक्वल्स टू 0, 64y को लेफ्ट में लेके आओ तो आपके पास क्या हो जाएगा y टू द पावर 4 माइनस 64y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आप क्या करो, आप यहाँ से y कॉमन ले लो, जब आप y कॉमन ले लोगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास y टू द पावर 3 माइनस 64 is equals to 0। अब देखिए दो quantities का product 0 है, या तो y 0 होगा और या तो आपके पास यहाँ पर y cube
-64 जीरो होगा, करेक्ट। तो y क्यूब -64 अगर जीरो होगा तो यहां से आपके पास आ जाएगा y क्यूब इज इक्वल टू -64, राइट में जाएगा तो +64, तो y क्यूब इज इक्वल टू 64, और यहां से क्यूब हटाएंगे तो 64 का क्या लेंगे, क्यूब रूट, और 64 का क्यूब रूट का मतलब 64 टू द पावर 1/3, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 × 4 × 4 64 होता है, तो 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पे आपको y के दो वैल्यूज मिले हैं, एक तो y का वैल्यू 4 मिला है और दूसरा y = 0 मिला है, ठीक है। तो यहां पे जो आपके पास एक x का वैल्यू आपने निकाला था, इस x के मतलब x = y²/4, यहां पे अगर आप y कितना पुट करोगे 0, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, मैं आपको कहां करके लिखा हूं, यहां पे, ठीक है। तो इफ y = 0, अगर हमने y = 0 लिया तो हमारा x भी कितना आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, x भी कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, 0.4 0, तो x भी 0 आ गया, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट आपको मिला, क्या लिखते हैं पहले x फिर y लिखते हैं, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, यानी कि 0, 0, ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया जहां पे पैराबोला आपको इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ध्यान से चेक करिए, ये वाला पॉइंट मिल गया, चेक करो ये वाला पैराबोला और ये वाला पैराबोला ओरिजिन यानी कि 0, 0 पे ही तो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम लोग y = 4 लें, ठीक है, तो इफ y = 4 तो x कितना आ जाएगा, ध्यान से करो y की वैल्यू 4 को 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 4, 4 इन द 4, 4 4 16, यानी कि x की वैल्यू जो 4 है तो y भी कितना 4 है, ठीक है। यानी कि जो सेकंड पॉइंट आपको मिला वो मिला 4, 4, यानी कि ये वाला जो पॉइंट नेक्स्ट वाला पॉइंट मिल गया, समझ रहे हो ना, y की इसीलिए दो वैल्यू आ रही थी क्योंकि ये दोनों पैराबोला दो पॉइंट पे, यहां पर O पर और इसका नाम अगर मैं A रख दूं तो A पर, पॉइंट O और A पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो अब पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4, यानी कि 4, 4, करेक्ट। तो इस तरीके से देखा आपने, हमने क्या कर लिया, हमने पॉइंट A जहां पे पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। इतना कॉपी करिए फिर मैं आपको आगे बताता हूं, कॉपी कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। Prove that the curves y square is equals to 4x, x is equals to 4y divide the area of the square bounded by, अब हमें एक square बनाना है जो कि bounded by क्या है, x is equals to 0, x is equals to 0 क्या होता है, y-axis, भाई y-axis की equation ही क्या होती है, x is equals to 0, यानी कि जो y-axis है इसी की equation है, x is equals to 0, x is equals to 4, x is equals to 4 एक ऐसी line होगी जो y के parallel होगी, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, एक बार बताओ अगर हम point A का जो coordinate है 4, 4 है, ठीक है, तो यानी कि आप A तक कैसे पहुंचे होंगे, x पे आपने 4 चला होगा, y पे भी 4 चला होगा, ठीक है ना, यानी कि एक लाइन होगी जो यहां से पास कर सकती है, ध्यान से चेक करो, ये कुछ इस तरीके से एक लाइन यहां से पास कर सकती है, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x = 4, ध्यान से सुनो, x = 4 ये वाली लाइन तो होगी, ठीक है, x = 4 y के पैरेलल होगी, ठीक, और ये y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 मैं लिख देता हूं आपके सामने के लिए, यहां कहीं 1 आएगा, यहां कहीं 2, यहां कहीं 3 और ये हो गया 4, करेक्ट। तो ये हो गया आपके पास, ठीक, इसी तरीके से एक लाइन है आपके पास y = 4 x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ध्यान से करो पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, यानी कि जो लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये लाइन होगी और इस लाइन की इक्वेशन है आपकी y = 4 वाली लाइन, ठीक है, मतलब ध्यान से करो ना ये कितना हो गया 1, 2, 3 और ये हो गया 4, ठीक। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट अगर आपका बी हो गया और ये वाला पॉइंट अगर आपका कितना हो गया सी हो गया, ठीक है, तो ए बी ओ सी ये आपके पास स्क्वायर बन गया। और ये बात बता दूं पॉइंट बी कहां पे, यहां पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, मैं लिख दे रहा हूं यहां छोटा सा, ठीक। इसी तरीके से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और पॉइंट सी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पक्का कितना होगा 4 होगा, यहां मैं आपको लिख दे रहा हूं, ठीक। अब एक चीज और लगे हाथ यहां पे, मैं आपको दिखा देता हूं पॉइंट बी का, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, तो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे है ना, तो 4, 0 और ये पॉइंट सी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए 0, 4 क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4 है और वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक। पॉइंट सी का सॉरी पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट है 0, 0, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 4, 4। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द कर्व्स y = 4x एंड x² = 4y, मतलब जब कर्व y = 4x बन जाते हैं और x² = 4y बन जाते हैं तो ये डिवाइड कर देते हैं, किसको डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x = 0, ये देखिए ये है आपका x = 0, ठीक, फिर ये है आपका x = 4, फिर है ये आपका y = 4 एंड y = 0, y = 0 क्या होता है x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y = 0। तो एक बार फिर से देखिए स्क्वायर कैसे बन रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करिए, ये वाली जो लाइन है आपकी AC, ठीक है, AC, ठीक, AC का इक्वेशन क्या है y = 4, ओके,
y is equal to 4, किसके पैरेलल होगा x एक्सिस के, ठीक। तो ये जो लाइन है AC, बहुत ध्यान से चेक करिए, इसकी इक्वेशन है y is equal to 4, ठीक। उसके बाद ये जो है CO, CO क्या है, y एक्सिस ही है, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x is equal to 0। ये जो CO है आपका, ये इतना पार्ट, इसकी इक्वेशन है x is equal to 0, ठीक। और तो ये भी आपका कवर हो गया। उसके बाद ये देखिए स्क्वायर में ये वाला जो साइड, कौन सा स्क्वायर, ए बी ओ सी वाले स्क्वायर में, ओ बी जो साइड है ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0, यानी कि ये देखिए ये आपका ओ बी की इक्वेशन क्या है, y = 0 है। और इसी तरीके से आपके पास जो लास्ट साइड बच रही है वो कौन सी, आपकी ए बी, और ए बी क्या है आपका y एक्सिस के पैरेलल, और ए बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी x = 4। तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। स्क्वायर ए बी ओ सी में आपको चारों लाइंस की, मतलब चारों साइड्स की इक्वेशन हमने दिखा दी, ए सी की भी, सी ओ की भी, ओ बी की भी, और बी ए की भी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब ध्यान दें, यहाँ कह रहा है कि जो स्क्वायर है ना, जब इसमें ये पैराबोला बन जाते हैं, कौन कौन से, वाई स्क्वायर प्लस टू फोर एक्स, फोर एक्स वाला, और एक्स प्लस टू फोर वाई वाला, तो ये जो पैराबोला दोनों बन गए, ये जो पैराबोला दोनों बन गए। अब आप भी देख लो भाई, जब पैराबोला यहाँ पे बन गए तो आपको तीन रीजन दिखाई पड़ रहे हैं, थ्री रीजन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। मान लो रेफरेंस के लिए हमने ये वाला पॉइंट आर बोल दिया, करेक्ट, ये वाले पॉइंट का नाम क्या बोल दिया हमने, आर बोल दिया, करेक्ट, और ये वाला पॉइंट हमने आपको पी यहाँ पर दिखा दिया। तो जैसे ही पैराबोला बन गए तो आपका जो ये स्क्वायर है ए बी ओ सी, ये थ्री रीजन्स में डिवाइड हो गया, आपको भी दिख रहा होगा। देखिए फर्स्ट रीजन कौन सा आपका, ए आर ओ सी ए, ठीक है, यहां मैं आपको अलग से दिखा देता हूं, ये देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट रीजन, करेक्ट, जिसको हमने ब्लैक से शेड किया है, ये हो गया आपका सेकेंड रीजन जिसको हमने ब्लू से शेड किया है, और फिर ये हो गया आपका ब्लैक रीजन जिसको हमने ब्लैक से ऑब्वियसली शेड किया है। तो ये थ्री रीजन हो गए ना, आपको यही दिखाना है कि भैया ये थ्री जो रीजन बने, ठीक है, स्क्वायर के अंदर, और ये बने क्यों थ्री रीजन, पहले तो स्क्वायर नॉर्मल था बेचारा अपना, जैसे पैराबोला बने तुरंत थ्री रीजन हो गए, और ये थ्री रीजन जो भी है इनके एरिया आपस में इक्वल है, यानी कि आपको क्या दिखाना है, आपको शो करना है यहाँ पर, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि बहुत ध्यान से करिएगा, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन कौन सा रीजन, ए सी ओ आर ए, ये ऊपर वाला एरिया ऑफ रीजन ए सी ओ आर ए, ए सी ओ आर ए ये वाला रीजन इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाए, एरिया, ये एरिया हो जाए किसके इक्वल, ये एरिया हो जाए आपका ए आर ओ पी ए के, ए आर, अब मैं पूरा लिख रहा हूँ आप लिख लीजिए, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन ए आर ओ पी ए आर, ए आर ओ पी ए, ए आर ओ पी ए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाए, ए बी ओ पी ए, ए बी ओ पी ए, तो ये आपको दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके हम यहाँ पे एरिया निकालते हैं, सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे ए सी ओ आर ए का, ठीक है, तो आइए जरा फाइंड करते हैं यहां पर हम एरिया किसका, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, और तीनों इक्वल आने चाहिए, एरिया ऑफ रीजन ए सी ओ आर ए का, एरिया ऑफ रीजन ए सी ओ आर ए, इसका एरिया अगर हम निकालेंगे, ठीक, ए सी ओ आर ए का, ठीक है, तो आपको यहां पर एक वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, ठीक है, काफी कुछ आप लगा के आ गए तो मैं फटाफट इसको सॉल्व कर दूंगा बस। ये देखिए एक वर्टिकल स्ट्रिप आपको लेनी है, ठीक, और ये वर्टिकल स्ट्रिप का देखिए टॉप वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम कुछ रख दीजिए, लेट अस से ये पॉइंट M है, और ये जो बॉटम वाला पॉइंट है ये पॉइंट M है, N है, ठीक है, तो ये एम एन स्ट्रिप है, जब ये लेफ्ट से राइट चलेगी तो लगातार देखिए जरा बच्चों, ये पॉइंट M लगातार सी ए पे मूव करेगा, और जो N वो लगातार ये ब्लैक वाले पैराबोला यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे रन करेगा, यानी कि जब ये स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट चलती है तो टॉप वाला पॉइंट M और बॉटम वाला पॉइंट N दोनों के लिए डेफिनेशन चेंज नहीं होती है, यानी कि ये जो आपकी वर्टिकल स्ट्रिप है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, वर्टिकल स्ट्रिप की हाइट हमेशा कितनी होती है y1 minus y2, ठीक है, पीछे की एग्जांपल्स लगवाए हमने आपको y1 minus y2, और इसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है dx, ठीक, और टोटल एरिया निकालने के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ऑपरेटर dx है इसलिए हम लोग लिमिट चेक करेंगे कौन सी, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट, अब देखो पॉइंट m कहां से कहां रन कर रहा है, c से लेके a तक, तो पॉइंट m के लिए हम लोग
पॉइंट एम को हम लोग देखेंगे सी से ए मूव कर रहा है, तो सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, जीरो है, और यहां पर ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, फोर है। जीरो से लेके फोर तक अगर आप आर से देखना चाहते हैं तो आर से भी आप चेक कर सकते हो, आर कह रहा हूं सॉरी, एन से भी आप देखना चाहते हैं तो एन से देख सकते हैं, एन मूव करेगा ओ से लेके ए तक, तो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है और ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, फोर है, तो भी आपकी लिमिट आती है जीरो टू फोर। और खास बात ये, कई बार हमने आपको बताया ये जो टॉप वाला पॉइंट है, ठीक है, टॉप वाला जो पॉइंट है एम, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1। अब जगह नहीं है बच्चों, नहीं तो मैं आपको लिख के दिखाता। यहां पे देखिए m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 और n के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे x1 y2, इसके लिए आ जाएगी y1 y2। देखो ये y1 कहां लाई कर रहा है, y1 लाई कर रहा है लाइन ca पे, ठीक है, तो y1 को आपको कहां से निकालना है, लाइन ca की इक्वेशन से, और y2 चेक करो पॉइंट n के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां लिख देता हूं जिसको नहीं समझ में आ रहा है, पॉइंट m और पॉइंट n, पॉइंट एम के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, y1 और पॉइंट एन के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, y2। जब भी वर्टिकल स्ट्रिप होती है तो x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, तो चेक करो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, y1 माइनस y2। अब y2 कहां लाई कर रहा है, y2 n का y कोऑर्डिनेट है, और n कहां लाई कर रहा है, n लाई कर रहा है ब्लैक वाले पैराबोला पे, ठीक है, यानी कि n2 लाई कर रहा है, n लाई कर रहा है, n का जो y2 कोऑर्डिनेट है वो कहां लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है इस पैराबोला पे, यानी कि y cos cos 4x पे। तो ये y2 हमें कहां से निकाल के लाना है, पैराबोला y square equals to 4x से निकाल के लेके आना है, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये भी आपका 0 to 4 और y1 की वैल्यू आप कहां निकालिए, लाइन ca से। अब ध्यान से करो ये रही ca और ca की इक्वेशन क्या है, y equals to 4, ठीक है, यहां y1 की जगह हमें बस कुछ नहीं रखना है, y equals to 4 था तो y की y1 की जगह 4 रखना है, माइनस y2, y2 कहां से निकालना है, y square equals to 4x वाले पैराबोला से, तो यहां से अगर आप y निकालोगे तो y equals to क्या जाएगा, यहां पे रूट लगेगा, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 और साथ में रूट x, यानी कि आगे आपके पास 2 रूट x dx, और y की पॉजिटिव वैल्यू भी लेनी है, बिकॉज जब स्क्वायर रूट लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि y कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है यहां पे, ठीक, ये सब काफी मैं बता चुका हूं आपको। अब देखिए 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4x और माइनस 2 into root x का इंटीग्रेशन, x की पावर 3 by 2 और अपॉन में 3 by 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 by 3 आ जाएगा, ठीक। अब यहां पे जो लिमिट लगानी है वो लगानी है आपको 0 to 4, करेक्ट। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, तो इस फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है पहले 4 रखो, तो 4 into 4 तो 16 हो जाएगा, माइनस, अब देखो ये 2 2 4 हो जाएगा, ठीक, 2 2 4 तो ये हो गया, और x क्या क्या रखना है, 4, यानी कि 4 into 4 into 4 की पावर 3 by 2 और अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक, ये 4 की पावर 3 by 2 है, करेक्ट। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, अब देखो ये हो जाएगा आपका LCM, अगर हम लोग ले लें तो यहां 16 नीचे 1 1 और 3 का LCM कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, 3 into 16 कितना आ जाएगा, 48, और 48 माइनस, अब देखो 4 into 4 की पावर 3 by 2, तो 4 into 4 की पावर 3 by 2, बेस सेम है, पावर ऐड, यहां 4 की पावर 1 है, पावर ऐड हो जाएगा, यानी 4 की पावर 1 प्लस 3 by 2, 1 प्लस 3 by 2, 2 under 2, यानी 4 की पावर 2 under 2 प्लस 3, यानी कि 5 by 2, 4 की पावर 5 by 2। अब इसको कैसे करोगे आप, इसको इस तरीके से कर सकते हो आप कि आपने क्या किया, इसको 4 की पावर 1 by 2 और इसकी होल पावर आपने इसको 5 कर दिया, सही है, क्योंकि 5 into 1 upon 2 वापस से 5 by 2 हो जाएगा। अब 4 की पावर 1 upon 2 का मतलब क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, और 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, तो यहां आ गया 32। अब 8 minus 2 कितना हो जाएगा, 6, और 4 minus 3 कितना हो जाएगा, 1, तो 16 upon 3 स्क्वायर यूनिट्स, याद रखिएगा जो फर्स्ट रीजन है आपका ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला, इसका एरिया हमारा आ गया कितना, 16 by 3 स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट। तो ACORA का जो एरिया आ गया वो आ गया 16 by 3 स्क्वायर यूनिट्स, ओके, तो इतना पहले कॉपी करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट रीजन का एरिया फाइंड करवा के दिखाता हूं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रीजन का एरिया निकालने जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हमें यहां पे ये जो स्ट्रिप्स वगैरह हमने बनाई थी ना, इसको हटा देते हैं, थोड़ा फिगर हम साफ यहां पे कर देते हैं, ठीक है ना, और अब ये हटा देते हैं यहां से, जो m और n हमने लिया था ना, इसको हटा देते हैं, बिकॉज़ हम नेक्स्ट रीजन का एरिया निकालने जा रहे हैं। ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट r था, ओके, अब हमने क्या करना है, ये वाला पॉइंट आपके पास p था, ठीक, तो नेक्स्ट रीजन है आपका कौन सा, ए आर ओ पी ए, तो ए आर ओ पी ए, ये देखिए ए आर ओ पी ए, ठीक है, यानी कि पैराबोला के बीच में जो बाउंडेड रीजन है उसको हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक। तो यहां पे एक वर्टिकल स्ट्रिप आपको ऐसे लेनी होगी, ठीक है, अब बस वर्टिकल स्ट्रिप में देखिए टॉप वाला पॉइंट है और ये आपका बॉटम वाला पॉइंट है, ठीक, तो ये टॉप वाला पॉइंट टी और बॉटम वाला पॉइंट एस, तो ये जो टी एस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, जब ये लेफ्ट से राइट चलेगी तो लगातार जो पॉइंट टी है वो चलेगा ब्लैक वाले पैराबोला पे, और लगातार जो पॉइंट एस है वो चलेगा लगातार
ब्लू वाले पैराबोला पे, तो एस चलेगा ओ से लेके ए के बीच में और टी चलेगा आपका ओ से लेके ए के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना तो पॉइंट पी और ना तो पॉइंट एस किसी के लिए भी फंक्शन की डेफिनेशन नहीं चेंज हो रही है, इसलिए हम सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये वर्टिकल स्ट्रिप है तो इसका लेंथ हो जाएगा y1 माइनस y2 और ऑपरेटर हो जाएगा यहाँ पे dx, यानी कि विड्थ हो जाएगी आपकी dx, करेक्ट। आप चेक करना है कि y1 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ध्यान से चेक करिए y1 जो लाई करेगा भाई पॉइंट t के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे। अब t कहाँ लाई कर रहा है, ब्लैक वाले पैराबोला पे, यानी कि y = 4x पे। तो y1 आपको निकालना है y2 = 4x से एंड y2 ऑब्वियसली पॉइंट s के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y2 होंगे, तो y2 कहाँ लाई कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे ब्लू वाले पैराबोला पे। तो ब्लू वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, यानी कि हम बोल सकते हैं 4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर 4y के इक्वल है तो 4y एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक। तो इस तरीके से y1 y2 को हमें निकालना है। अब लिमिट डिसाइड करते हैं, तो पॉइंट टी मूव करेगा आपका ओ से लेके ए के बीच में, तो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो लिमिट हो जाएगी आपकी 0 टू 4, करेक्ट। चलिए y1 यहां से निकाल लीजिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x से कितना हो जाएगा, यहां से y स्क्वायर हटाओगे यहां स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और साथ में आ जाएगा रूट x, ठीक है। तो 0 टू 4 और y1 की जगह हो जाएगा आपके पास 2 रूट x माइनस, अब यहां से देखिए 4 उधर डिवाइड लगा दो तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4, ये आ गया आपका y2 का वैल्यू, तो y2 कितना हो गया x स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया आपके पास dx, करेक्ट। चलिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, x रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 3 बाय 2 और 3 बाय 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा आगे 2 बाय 3 और माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा x क्यूब अपॉन में 3, 3 4 का कितना हो जाएगा 12, करेक्ट। ये ऐसा हो गया 0 टू 4। चलो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस फंक्शन में जहां जहां आपके पास x आ रहा है वहां हम कितना रखेंगे 4, ठीक है। तो 2 2 4 4 बाय 3 इंटू x की आगे कितना रखेंगे 4, तो 4 की पावर कितना आ जाएगा 3 बाय 2 माइनस x की 4, 4 का क्यूब 64 अपॉन में 12, ये हो गया अपर लिमिट का काम, और माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 4 की पावर 3 बाय 2 कितना होता है, यहीं पे चलो लगे हाथ सॉल्व कर लेते हैं, 4 की पावर 3 बाय 2 हो जाएगा आपका कितना, इसको आप लिख सकते हो 4 की पावर 1 अपॉन 2 की होल पावर 3 और 4 की पावर 1 अपॉन 2 कितना होता है 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 की पावर 3 ये हो गया आपके पास 8, तो ये चीज आपके पास 8 बन जाएगी, 8 4 का 32 हो जाएगा, 32 अपॉन 3 और माइनस, अब देखिए यहाँ 4 से जाएगा तो 4 बंदा 4, ठीक है, और 2 जाएगा तो 4 6 जा, ठीक है, 24 4 3 जा, तो यहाँ जाएगा 16 बाय 3, 16 बाय 3, अब 32 अपॉन 3 माइनस 16 बाय 3, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 3, एलसीएम 3 आ जाएगा माइनस 16, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कितना 32 माइनस 16, 16 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट। तो इस तरीके से देखा आपने AROPA का भी एरिया कितना आ गया 16 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट, कर लीजिए। थर्ड रीजन का एरिया मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, तो ये अब हम स्ट्रिप हटा देते हैं यहां से TS, कंफ्यूज ना करें हमें, ठीक है। चलिए तो अब थर्ड रीजन है APOBA या ABOPA, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप लेनी, ये वाला पॉइंट पी ए, ये पॉइंट पी एस इधर लिख देते हैं, तो ये देखिए ये एक वर्टिकल स्ट्रिप हमने यहाँ पे बना ली, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप है, इसका कुछ भी नाम रख दो बच्चों, लेट अस से इसका नाम है एल और इसका जो बॉटम पॉइंट है वो क्यू है, तो ये एल क्यू है, यहाँ 3 है, ध्यान से चेक करना, तो 3 हमने हटा दिया, ये वाला पॉइंट बॉटम वाला क्या हो गया आपका क्यू हो गया, ठीक है। तो एल क्यू जो वर्टिकल स्ट्रिप है, अब खास बात है कि इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो बॉटम वाला पॉइंट है क्यू वो एक्स एक्सिस पे आ गया, तो इसकी विड्थ हो जाएगी ओनली कितनी y, ठीक है। तो इसकी विड्थ हो जाएगी आपकी y और एरिया निकाल रहे हैं हम कौन सा ABOPA, ABOPA का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी विड्थ कितनी होगी y और वर्टिकल विड्थ कह रहा हूं सॉरी लेंथ होगी y और ये वर्टिकल स्ट्रिप है तो इसका जो विड्थ हो जाएगी कितनी dx, करेक्ट। अब देखो ये पॉइंट l है ना, ये पॉइंट l है टॉप पॉइंट और ये लाई कहां कर रहा है, ये लाई कर रहा है आपका ब्लू वाले पैराबोला पे, ये देखो ये पैराबोला पे इस पे, यानी कि y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कौन से पैराबोला से, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y से, और पूरा रीजन का एरिया निकाल लेंगे, इंटीग्रेट करना है। अब ये स्ट्रिप जब लेफ्ट से राइट चलेगी तो पॉइंट l चलेगा o से लेके a के बीच में और q चलेगा o से b के बीच में, तो ऑपरेटर dx है, तो लिमिट डिसाइड करेंगे o का x कोऑर्डिनेट 0 और a का x कोऑर्डिनेट 4, तो 0 से 4 इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 0 टू 4, अब y का वैल्यू यहां से निकाल लो कितना हो जाएगा, y = x² / 4,
एक्स स्क्वायर अपॉन फोर अपॉन डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन में थ्री आएगा तो थ्री फोर को मल्टीप्लाई करेगा तो ट्वेल्व कर देगा करेक्ट, और ये लिमिट होगी आपकी जीरो टू फोर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे फोर, फोर का क्यूब कितना लेगा सिक्सटी फोर अपॉन ट्वेल्व और माइनस एक्स का वैल्यू जीरो जीरो का क्यूब जीरो अपॉन ट्वेल्व खत्म हो जाएगा ठीक है जीरो हो जाएगा। नौ यहाँ हो जाएगा फोर थ्री जा और फोर वन दा फोर और टू जाएगा फोर सिक्स सिक्स ट्वेंटी फोर तो सिक्सटीन अपॉन थ्री स्क्वायर यूनिट्स ठीक है। तो इस तरीके से तो ए बी ओ पी ए का भी एरिया कितना आ गया सिक्सटीन अपॉन थ्री स्क्वायर यूनिट्स। फिर फाइनली हम लिख देंगे फ्रॉम ऑल दीज थ्री ऑब्जर्वेशन वी कैन सी दैट कि द कर्व देखा ना आपने भाई ये वाले रीजन का भी एरिया कितना है 16 बाय 3, ये वाले रीजन का भी एरिया 16 बाय 3 और ये वाले रीजन का भी एरिया कितना आया 16 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके तो द कर्व्स y = 4x and x = 4y डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x = 0 x = 4 y = 4 and y = 0 into 3 equal parts हैं प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो गया बच्चों। जो एग्जांपल नंबर 14 है मिसलेनियस का एंड स्क्रीन पे उसका सॉल्यूशन आ रहा होगा। जाते रहते पिन कमेंट चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।